आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लोहा मंडी खतैना मार्ग स्थित पारस पल सोसाइटी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लोहा मंडी खतैना मार्ग स्थित पारस पल सोसाइटी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में स्त्री विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जैसे कि आप जानते हो, आज महिला दिवस है और अच्छी शुरुआत है ये कैंप लगाना सोसाइटी में, और फ्री हेल्थ चेकअप बाय डॉक्टर निकिता हो रहा है, तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स तो मिलेंगे सब लेडीज को और लेना भी चाहिए, होपफुली अच्छा कैंप हो। एक्चुअली ये सोसाइटी काफ़ी एक्टिव रहती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो आज हम लोगों ने ये वुमेंस डे पे ऑर्गेनाइज़ किया है फ्री हेल्थ चेकअप फॉर वुमेंस ओनली, और ये पल्स हॉस्पिटल की तरफ से है और यहाँ बहुत सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पारस पल सोसाइटी में लगाए गए इस शिविर में महिलाओं का चेकअप कर रही स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सोसाइटी और बिल्डर मुकेश जैन को शुक्रिया अदा किया। मैं डॉक्टर, मैंने जैसे सुना हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो मैं डॉक्टर साहब से हेल्थ के इश्यूज पूछने आई थी। सोसाइटी में हमारे बहुत अच्छे, हमारे बिल्डर भैया हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम कराते रहते, ऑर्गेनाइज कराते रहते, बाकी सब का ध्यान रखते। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हिंदू कल्याण महासभा ने ट्रांसियमुना कॉलोनी में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री अंजुला सिंह माहौर ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही महिलाओं का नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। आज जो हिंदू कल्याण महासभा के बैनर के तले महिला दिवस, जो पूरे भारत देश में अपितु पूरे संसार में मनाया जाता है, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू कल्याण महासभा की महिला सेना के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो हमारी 12 जो ब्रज क्षेत्र की महान विभूतियाँ, जो कि जिनके बेटे, जिनके पति आज जंग में अपनी ज़िंदगी हार गए, शहीद हुए, और जो अपने अपने क्षेत्र में समाज सेविका के रूप में बड़े बड़े कार्य किए हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और हमारी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश शर्मा जी, जो इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर कम से कम उनकी सेना से 125 महिलाएँ यहाँ आई हैं। यहाँ आज हमने शहीदों को भी सम्मानित किया है, जो कि हमारी शहीद की, जैसे कि पृथ्वी सिंह चौहान जी हमारे यहाँ से कहीं, उनकी माता को सम्मानित किया है, सुना वो जो सुशीला चौहान जी को, और नीलम धवन जी को सम्मानित किया है, जिनके पति ने अपने पैर गवा दिए युद्ध लड़ते लड़ते, मेजर साहब की, उनकी पत्नी को सम्मानित किया है। एक सावित्री के रूप में वो अपने पति के लिए इतना योगदान दे चुकी हैं कि बताया नहीं जा सकता, तो हमें लगा सम्मानित करने लायक बहनें हैं, हमने उनको बुलाया। और मीनाक्षी पोपल जी को सम्मानित किया है, वो भी शहीद की ही वाइफ हैं, 3 शहीद बहनों को सम्मानित किया है हमने। हिंदू कल्याण महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को सभी महिलाओं ने खासा पसंद किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।